हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ चैप्टर नंबर 9 और वर्कशीट फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, ये इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट है और इसमें अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यानी कि अपने को इसमें जो वेरिएबल है उसकी पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको तो वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में इसका वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है, जैसे कि अपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे जो वेरिएबल था वो एक सिंगल पावर में होता था, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डबल पावर में यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है इसको अपन सिंगल वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ से, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जो एक्स स्क्वायर है उसके प्लेस पे अपन वाई पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये दिस अप्लाइज 3 माइनस वाई अपॉन 8 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 4। अब जैसा कि अपने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको सोल्व आउट किया था वैसे इसको सोल्व आउट करेंगे। क्या करेंगे, इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस वाई। सोल्व करते हैं आगे इसको, तो 4 3 जाए कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 24 और ये जाएगा माइनस का 3y। ठीक है, अब पहले वेरिएबल था अपने पास में एक्स स्क्वायर, अब किस में कन्वर्ट हो गया, वो y में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस y वाली टर्म को एक तरफ लाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहां से, दिस अप्लाइज ये लिखा पहले तो अपने माइनस का 4y, ये माइनस का 3y है इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि प्लस का 3y इज इक्वल टू RHS में जो लिखा हुआ है पहले उसको लिख देंगे माइनस का 24, 12 को उधर शिफ्ट करेंगे, अभी पॉजिटिव है इधर आने के बाद नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से 3 में से 4 को सप्लाई करेंगे यानी कि माइनस का 1y बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये दोनों एड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे इसका आंसर 36 विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 36 आ गई। अब y किसके पैलेस पे अज्यूम किया था, y अज्यूम किया था अपने x स्क्वायर के पैलेस पे यानी कि y की जगह लिख देंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और दिस अप्लाइज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा अपने पास में x और यहां से लिख देंगे अपन रूट ऑफ 36 जिसका आंसर कितना होता है प्लस माइनस 6 होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अपने को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू काम में लेनी है यानी कि यहां से लिख देंगे x इज इक्वल टू 6, ये तो आ गया अपने इसका आंसर। ठीक है, अब साथ में इसका वेरिफिकेशन भी करना है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसका LHS वाला पार्ट लिखेंगे, यहां लिखेंगे वेरिफिकेशन किसके लिए वेरीफाई कर रहे हैं, x की वैल्यू के लिए और x की वैल्यू कितनी मिली है 6, तो यहां लिख देंगे 4x is equal to 6, इसका LHS वाला पार्ट लिखेंगे पहले, यहां लिखेंगे LHS is equal to क्या लिखा हुआ है 3 minus x square upon 8 plus x square, x के पहले इस पे वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली जो अपने को आंसर में मिली है, तो यहां लिखते हैं इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं x की वैल्यू और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से वैल्यू पुट करने के बाद में कितना मिलेगा 3 और ये 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36 और यहां से 8 प्लस 36 इसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और इसको यहां पे ऐड कर देंगे तो यहां तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 33 और इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 44। तो इन दोनों डिजिट को अपन कैंसिल आउट कर देंगे किससे, 11 से, कितने टाइम माइनस 3 और ये कैंसिल आउट होगा 4 टाइम, जो कि किसके इक्वल है RHS के इक्वल है, मतलब कि LHS और RHS इक्वल है यानी कि ये जो अपने को सॉल्यूशन मिला है x इक्वल टू 6 वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट y स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 8y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, इसमें भी जो पावर है वो 2 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x, यहाँ पर इस बार y स्क्वायर के प्लेस पे अपन x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, a भी एज्यूम कर सकते हैं कैपिटल, या कैपिटल b भी एज्यूम कर सकते हैं, व्हिच एवर जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, क्या लिख देंगे y स्क्वायर के प्लेस पे x लिख देंगे प्लस 6 अपॉन यहाँ से 8 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/5। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो इक्वेशन थी वो एक सिंगल पावर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5x, फिर मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा 30 इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू एजिस आ जाएगी। इस बार मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इनको इससे और इसको इससे। अब यहाँ पर अपने पास वेरिएबल है x, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा,
इज इक्वल टू 3 और इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 में से 8 को माइनस करना है, ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 3 में से 30 को माइनस करना है तो माइनस का 27 आ जाएगा। अब यहां से अपन इसका नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको यहां पे लिख देते हैं। क्या बचा अपने पास में, 3x is equal to 27, यानी कि x is equal to कितना हो जाएगा 27 upon 3, यानी कि x is equal to हो जाएगा 9, ठीक है। ये x की वैल्यू मिली है, लेकिन अपने पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें इक्वेशन में, यानी जो गिवन क्वेश्चन था अपने पास उसमें वेरिएबल क्या था, y, और अपन ने क्या माना था, y स्क्वायर को x माना था, मतलब x के प्लेस पे वापस क्या लिख देंगे, y स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9, और रूट ऑफ 9 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3 आएगी, ठीक है, क्योंकि प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, लेकिन यहां पर अपने को पॉजिटिव वैल्यू काम में लेनी है, यानी कि y की वैल्यू क्या लिख देंगे, सिर्फ प्लस में 3। ये तो हो गया इसका आंसर। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए इसका LHS वाला पार्ट लिखेंगे सबसे पहले। वेरिफिकेशन किसके लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं, 4y is equal to 3 के लिए, ठीक है, इसका LHS वाला पार्ट लिखते हैं यहां से। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 8y स्क्वायर प्लस 3, y के प्लेस पे 3 पुट करना है, ठीक है, जो आंसर मिला था, तो पुट करते हैं, यानी कि यहां से 3 का स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर, यहां पे 2 लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 प्लस 3, सोल्व करते हैं इसको, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, यहां लिखेंगे अपन 9 प्लस 6 अपॉन 8 लिखा पहले, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 3 लिख दिया एज दिस। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो यहां से 9 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और यहां से 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, 9 से 72 में 3 ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 75, और ये दोनों वैल्यूज जो है 15 से कैंसिल आउट हो रही है 1 टाइम और ये 5 टाइम, जो कि RHS के इक्वल है, ठीक है। LHS को लेकर के सॉल्व किया था, RHS पे पहुंच गए, मतलब कि ये जो आंसर अपने को मिला है y = 3 वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, x2 - 9 / 5 + x2 = 5/9, तो x2 के प्लेस पे y एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे y - 9 / 5 + y = 5/9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ से मिलेगा अपने को 9y और यहाँ से माइनस का 81, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 और यहाँ से 5y, y वाले टर्म्स को इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो गए। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 106 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, अभी मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 106 में 4 का डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट होगा 53 टाइम, ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, ठीक है, आगे सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं तो ये फिर पॉइंट में आंसर आएगा, इसीलिए अपन y के प्लेस पे क्या लिख देंगे वापस x2, ठीक है, यहां तक इक्वल टू 53 अपॉन 2, यहां से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से अपन स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहां से बचेगा अपने पास में x, और इसका ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसको रूट में लिख देंगे, रूट 53 अपॉन 2 जो मिला अपने को इसका आंसर। अब इसका करते हैं अपन वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए LHS और LHS में जो x लिखा हुआ है उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 53 अपॉन 2 बचा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 53 अपॉन 2 बचा, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अपने पास में 2, 53 माइनस 18 और यहां से 2 एलसीएम लेंगे तो 5 × 2 = 10 + 53, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 आएगा विद पॉजिटिव साइन क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में 63, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया अपने किससे, 7 से, कितने टाइम, 5 टाइम और 9 टाइम, जो कि RHS की इक्वल है, ठीक है, तो इसका LHS और RHS इक्वल आ रहा है, मतलब ये जो आंसर मिला है अपने को x की वैल्यू मिली है वो इस इक्वेशन के लिए एकदम करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, y² + 4 / 3y² + 7 = 1/2, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां से, लेट y² = x, y² के प्लेस पे x लिख देते हैं, तो यहां बनेगा अपने पास में x + 4 / 3x + 7 = 1/2, ठीक है। अब इसको कर देंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से लिखेंगे 2 × x + 4 = 1 × 3x + 7, सॉल्व करते हैं आगे इसको, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो यहां से क्या मिलेगा 2x +
एट इज इक्वल टू वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 7। एक्स वाली वैल्यू को इधर लाएंगे और जो कॉन्स्टेंट टाइम है उसको पीछे शिफ्ट कर देंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 3x इज इक्वल टू 7 - 8। 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1x, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से कितना बचेगा, माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहां लिख देंगे x इज इक्वल टू मिला है अपने को 1। अब x के पहले इस पे क्या लिखा हुआ था, y स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आंसर इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और अपने को पता है कि जो रूट 1 की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, यानी कि अपने को 1 तो मिल गया इसका राइट आंसर। अब अपन को इसका वेरिफिकेशन करना है तो क्या लिखेंगे, 4y इज इक्वल टू 1 के लिए इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे LHS वाला पार्ट यहाँ लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 7। y के पहले इस पे 1 पुट कर देंगे तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर आएगा 1, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 बनेगा यानी डायरेक्ट लिख देते हैं 3 प्लस 7। इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 5 और इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 10। दोनों को 5 से कैंसिल आउट कर देंगे 1 टाइम और 2 टाइम, जो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, मतलब जो अपने को y की वैल्यू 1 मिली है वो इस इक्वेशन के लिए एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपने इसके पार्ट नंबर 5 यानी कि इसके क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।